गुड आफ्टरनून एवरीबडी. आज ह्यूमंस ऑफ झारखंड में हम लोग आए हैं स्नूकर टेबल के पास, और स्नूकर और पूल में हजारीबाग में जो चैंपियन है वो है डॉक्टर स्नेहांशु. आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर स्नेहांशु से. और डॉक्टर स्नेहांशु, आप बताइए, आपको इस गेम में रुचि कहाँ से आई? सबसे पहले तो 2003 के आसपास पापा स्टेशन क्लब के परमानेंट लाइफ मेंबर हैं. अच्छा. तो वहाँ पे खेलना चालू किया, तो वहाँ पे पापा ने सिखाया बिलियर्ड्स और स्नूकर के बारे में थोड़ा थोड़ा. तो मैं प्रैक्टिस करता था. कई बार तो ऐसा होता था कि रात भर अकेले खेल रहा हूँ बस. अच्छा. तो वहाँ से मेरा रुचि बढ़ा, तो मैंने देखा कि रात भर खेल रहा हूँ तो मुझे बहुत पसंद था. फिर हायर स्टडी के लिए जमशेदपुर जाना पड़ा. वहाँ पे तो वहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिला, फाइनल ईयर तक भी कहीं पे भी नहीं मिला. एक था प्ले स्टेशन, बट उस समय पैसा उतना रहता नहीं था, पॉकेट मनी आता था तो नहीं खेल पाते थे. उसके बाद जब मैं हजारीबाग आया तो 2012 में यहाँ पे एक क्लब खुला था. किसी ने बताया कि पूल क्लब खुला है, चलो एक बार देखते हैं. तो वहाँ से फिर रेगुलर वे में स्टार्ट हुआ. तो मैं नॉर्मल खेलता गया ऐसे फ्रेंड सर्कल में, जनरल टाइम पास. उसके बाद 2015 में मेरा पहला जो स्टेट था उसमें एक वहाँ के क्लब के ओनर ने बोला कि तुम क्यों नहीं स्टेट जाते हो. अच्छा. तो मैं ट्राई किया, स्टेट गया, तो उस समय टॉप 16 में आया. अच्छा. तो वहाँ पे सब लोगों ने तारीफ़ किया कि तुम कभी सीखे नहीं हो फिर भी इतना अच्छा खेलते हो. तो वहाँ से मुझे इंतजाम आया कि और खेलना चाहिए. फिर जब नेक्स्ट 2017 में गया तो 17 में मैं थर्ड रैंक था मेरा. अभी लास्ट ईयर भी थर्ड रैंक था 2018 में. ऑल ओवर झारखंड. हाँ. और अभी 2019 भी मैं स्टेट खेला हूँ तो 6 रेड में भी थर्ड पोजीशन है मेरा. अच्छा. और फिर अभी हाल में ही 2-3 महीने के पहले ही मुझे झारखंड स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया. बहुत. हम लोग जानेंगे डॉक्टर स्नेहांशु ने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, और उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कहाँ से की, और फिर हजारीबाग वापस कब आए? स्कूलिंग मेरा डीएवी से हुआ, डीवी कनरी. और 9th में ड्यू टू पुअर रिजल्ट मुझे फिर निकाल दिया गया स्कूल से. अच्छा. तो मेरे प्रिंसिपल सर ने और पापा ने बहुत कोशिश की, बट उस समय मेरा पढ़ने का रुचि नहीं था. तो सर लोगों ने और पापा ने डिसाइड किया कि चलो ओपन स्कूलिंग से इसको 10th करा देते हैं. अच्छा. किसी तरह से. तो 2004 में मैंने 10th दिया नॉर्थ से, NIOS ओपन स्कूलिंग से. तो उसमें पास होने के बाद फिर प्लस टू में इसमें सन कोलम्बस कॉलेज में एडमिशन हुआ. तब भी मैं उतना नहीं पढ़ता था. प्लस टू में मतलब फाइनल ईयर में मेरे एक भैया ने मुझे बहुत गाइड किया, चचेरे भैया हैं वो एयरफोर्स में, तो वो शादी में आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत गाइड किया कि कैसे लाइफ करोगे, क्या करोगे. तो उस समय थोड़ा सा मुझे फ्यूचर का टेंशन हुआ, तो लगा कुछ करना चाहिए. फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और 3 महीने पढ़ के ही प्लस टू में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ. फिर मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, जमशेदपुर सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज. वहाँ से फिर मैं पढ़ता गया, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ पढ़ाई एक्चुअली. तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज बेसिक्स नहीं क्लियर रहने पे एडुकेशन में थोड़ा दिक्कत आता है. तो उसके बाद फिर पढ़ा, वहाँ पे एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था, सबसे ज़्यादा कॉलेज में मार्क्स आया था. तो उसके बाद फिर यहाँ पे 2012 में आया 12 के बाद स्नूकर एंड क्लिनिक, ये दोनों चीज़ चलता रहा. शादी भी इसी दौरान हो गई. हमने सुना है स्नेहांशु से कैसे वो पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ी. स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन 12th के बाद उनके अंदर इंस्पिरेशन आई और उन्होंने फिर डॉक्टरी की पढ़ाई की. आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर वो बने, ईस्ट सिंहभूम में जाके उन्होंने पढ़ाई की और अभी वो बहुत ही सफल डॉक्टर है. साथ साथ ये बता रहे थे कि वो डॉक्टरी के साथ साथ पूल खेलते रहे, स्नूकर खेलते रहे, और आज इस मुकाम पर आए हैं कि उन्हें ऑल ओवर झारखंड में असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया गया है झारखंड स्नूकर एसोसिएशन का. हम लोग जानेंगे थोड़ा सा स्नूकर एसोसिएशन क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल तो बहुत लोग खेलते हैं लेकिन ये ऐसा गेम है जो बहुत कम लोग खेलते हैं. और बड़े बड़े प्लेयर हैं, कुछ इंटरनेशनल और नेशनल में इंडिया के भी बहुत बड़े प्लेयर हैं स्नूकर में, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे स्नेहांशु के बारे में, स्नेहांशु जी से कि वो लोग कैसे हैं, उनकी उनके बारे में ये कितना जानते हैं. अभी जब से मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी बना हूँ तब से मैंने ये देखा है कि झारखंड में एक्चुअली
स्नूकर का बहुत क्रेज़ है नहीं, तो क्या होता है ना कि जैसे आपको नेशनल खेलना है अगर, तो पहले था ओपन, जो भी नेशनल खेलने जाएंगे वो वहाँ पे क्वालिफाई करे उसके बाद नेशनल खेले। अच्छा, अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर जैसे हमारे स्टेट को टॉप थ्री का मिला हुआ है, टॉप थ्री ही जा सकते हैं। अच्छा, दिल्ली वगैरह मल्टीपोलिटन सिटी में वहाँ पे है, टॉप एट भी है, टॉप टेन भी है, हमारा छोटा स्टेट है तो टॉप थ्री ही जाते हैं। तो इसके लिए ही एसोसिएशन बना है, प्लस एसोसिएशन हमेशा थोड़ा थोड़ा दिन में ना टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं, हर जगह से झारखंड में प्लेयर को इकट्ठा करवा कर टूर्नामेंट करवाया जाता है, जिससे कि नए नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको भी वो फ्यूचर दिखे। अच्छा, और ओपन टूर्नामेंट भी करवाते हैं बाहर से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बुला के, जैसे अभी हम लोगों ने करवाया था रांची में, जमशेदपुर के सारे प्लेयर्स थे, उड़ीसा से भी आए थे, कलकत्ता से भी आए थे, अलग अलग जगह से आते हैं प्लेयर्स खेलने के लिए। तो उसके भारत के कुछ स्नूकर प्लेयर के बारे में आप बताएं, जैसे पंकज अनवानी और निखिल, और आदित्य मेहता, आदित्य मेहता और भी लोग हैं जो अच्छा खेलते हैं, उनके बारे में। एक ओडिशा सेठी, एक अच्छा वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये सब ओल्ड में, वो बिलियर्ड्स में। हाँ, अभी जैसे कि अभी जो उभरे हुए हैं वो ओडिशा के एक आशुतोष पैदी है, हम लोग के छोटे भाई जैसे हैं। अच्छा, वो इंटरनेशनल में टॉप 16 में जूनियर में रहे हुए। अच्छा, और मैं मतलब हम लोगों ने हाल से अपने आप से देखा कि कैसे वो सीखते सीखते इतना आगे निकल गए, उनके पास गुरु थे और अच्छा से मेहनत करके अभी जूनियर्स में एक बार जैसे पंकज अडवाणी को उसने हराया है। अच्छा, ये काबिल तारीफ है, बिकॉज पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के तो 6 times 7 times वर्ल्ड चैंपियन है, एशियन चैंपियंस है, उनके पास इतना ट्रॉफीज है। आदित्य मेहता स्नूकर एंड बिलियर्ड्स वगैरह खेलते हैं, तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट है रोनियो सुलेवन। अच्छा, जो कि यूके से हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन फिलहाल तो नहीं है, बट उनको गॉड ऑफ स्नूकर बोल सकते हैं। उनका हाँ, उनका एक लौता ऐसा बंदा है जो 1000 century इंटरनेशनल स्नूकर में मारे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल स्नूकर 1000 century क्या होता है ये? जैसे अगर हम लोग स्नूकर का गेम ऐसा है कि पहले आपको एक रेड बॉल पॉट करना है, उसके बाद कोई भी नॉमिनेटेड कलर बॉल ले सकते हैं, 6 color balls होता है, तो आपको वैसा पॉइंट मिलता है। फिर कलर के बाद आपको फिर एक रेड लेना होता है, पॉट कर दिए तो फिर आप कलर ले सकते हैं। तो ऐसा आप करिएगा तो रेड का 1 point और येलो टू ब्लैक का 2 to 7 अकॉर्डिंग टू कलर्स। तो वैसा उन्होंने जब आप सेंचुरी एक बार में ही मारते, एक ब्रेक में बिना कोई सब बॉल खत्म कर, सब बॉल खत्म करके आप, सब बॉल नहीं भी तो हाँ, लेकिन सेंचुरी बनना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने वैसा 1000 times से ज्यादा किया हुआ। अच्छा, है 1000 बार, 1000 से ज्यादा, अभी तो 1012-13 चल रहा है, 1012-13 सेंचुरी है। अभी तक कोई 600 में भी 600-700 में ही एक दो प्लेयर्स आए, मतलब ऐसा होता हो कि जो अपोजिट प्लेयर है वो स्टिक लेके खड़ा हुआ है, वो बस बैठे रहते, बैठे हुआ, उसने स्टार्ट किया और खत्म कर दिया, चांस ही नहीं। ये परफेक्शन है, वो है। हमने जाना स्नेहांशु से स्नूकर के बारे में बहुत कुछ, और आप ये बताएं कि स्नूकर का फ्यूचर क्या है इस छोटे से शहर हजारीबाग में, और आप जब इतने प्राइज़ जीते तो एक कॉन्फिडेंस आता है लोगों के अंदर प्राइज़ जीतने के बाद, आपको कैसा फील हुआ उस टाइम जब आपको लगा कि हम थर्ड पोजीशन आ गए हैं, तो आपको ऐसा लगा कि हम फर्स्ट भी आ सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं? एक्चुअली पहले तो मैं बोला कैजुअल खेलता था, बट जब से परफॉर्मेंस होता है ना तो आदमी को लगता है कि कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने कोशिश किया। अभी 1 साल से मैं थोड़ा सीख रहा हूँ बड़े बड़े प्लेयर लोग से, और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा खेलूँ। और स्नूकर का फ्यूचर का बात है तो अगर कोई भी बंदा मेहनत करेगा स्नूकर में, जैसे मैं 2 times 3 times नेशनल खेल चुका हूँ, 1 time क्वालिफायर खेला था, 2 times अभी स्टेट की तरफ से सेलेक्ट होकर गया था फॉर नेशनल। अच्छा, तो चूँकि एक बात हो जाता है कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट है खेलने का झारखंड में, और नेशनल लेवल पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वहाँ पे परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होप सो फ्यूचर में अगर झारखंड में वैसा माहौल मिल जाए, वैसा टेबल्स मिल जाए, वैसा क्वालिटी मिल जाए, तो यहाँ के प्लेयर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज हजारीबाग में हम देखें कि 3-4 प्लेयर्स ऐसे भी थे जो बहुत अच्छा कर सकते थे नेशनल्स में। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खेलते वो लोग कि सेंचुरी ही मारते हैं, हम ही लोग भी ऐसा खेलते हैं, बट क्या ना वो इन्वायरमेंट से वो लोग पता है उनको कि क्या करना है, और हम लोग के लिए वो नया इन्वायरमेंट हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कि नर्वसनेस भी रहता है टेबल को देख के, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हम बात कर रहे थे हजारीबाग में स्नूकर के चैंपियन डॉक्टर स्नेहांशु से, जो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं झारखंड बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में वो नेशनल
टीम को रिप्रेजेंट करें और हमारे हजारीबाग का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।